अगर आप सरकारी सेवाओं में जाकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं तो सही रणनीति और सशक्त टीम के साथ करें तैयारी UPSC और MPPSC की हमारे साथ द नॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट इंदौर। दोस्तों नमस्कार, हम हैं अंजलि जिला सागर से। तो भैया हरों, बात जा है कि हमें अभी कछु महीना पहले कोरोना भाव हतो, तो हमने जा सोची के जो हमारे अनुभव हैं भी हम बुंदेली बौछार के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करें। तो भैया हरों, बात जा है कि हमें कोरोना कैसे भाव, जा तो हमें भी नहीं पता कि हमें कोरोना कैसे भाव, लेकिन जो हमारे अनुभव हैं भी हम जरूर आप और उनसे शेयर कर रहे हैं। हमें एक दिन रात के 2:30 बजे बहुत ही कसकेद बुखार आओ। हम भी जॉब कर रहे थे MT नगर में, थे भोपाल में, तो ऑफिस तो जाते ही हैं, लेकिन जो अपनी प्रिकॉशन है मास्क लगाने, सैनिटाइज करने भी, सब हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे थे। हाँ, लेकिन थोड़े से हम चटोरे टाइप के हैं तो हम बाहर को खाबो बंद नहीं कर पा रहे थे। बाहर हमारा खाबो चल रहा था कंटिन्यू, हाँ घूमबे पे थोड़ा कंट्रोल था लेकिन बाहर हम खा रहे थे। तो एक रात 2:30 बजे हमें बहुत ही तेज बुखार आओ। अब भैया ना तो हमारे पास कोई दवाई, ना कोई पैरासीटामोल, ना कोई दवाई भी नहीं आती। अब बहुत तेज इतना हमें इतना पसीना आ रहा, इतनी ठंड लग रही, सीधो बुखार, सर्दी जुकाम कछु नहीं, सिर्फ बुखार आओ हमें। अब भैया हम बहुत घबरा गए। फिर जैसे तैसे हमारे पास हमने दवाइयाँ ढूंढी तो एक क्रोसिन पड़ी थी, तो हमने उनकी डेट देखी और हमने वह खा ली, लेकिन हमने जा नहीं सोची कि हमें कोरोना हो सकता, जहाँ हमने बिल्कुल नहीं सोची। अब भैया हम खा के और जैसे तैसे हमारी रात कटी, सुबेरो भाव, फिर झोंको तो बुखार, फिर भी हम नहीं सोच पा रहे कि हमें कोरोना है। ऐसे करके फिर हमने अपने ऑफिस में फ़ोन करो कि भैया हमें बुखार है तो हम ऑफिस नहीं आ सकते। तो हमें ऑफिस वालों ने सलाह दी कि कोरोना टेस्ट करवा लूँ, लेकिन भैया हम वैसे ही अकेले रहते थे, कोरोना टेस्ट भी, कोरोना तो हमारे मतलब बहुत डर लग रहा था एकदम से, और हम सोच भी नहीं रहे थे कि हमें कोरोना हो सका थे, मतलब हुई है या हो सका थे, तो हमने बहुत हल्के में ले लो। ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन हो गए। अब हमें सर्दी जुकाम भी हो गई, सर्दी जुकाम बुखार, थोड़ी थोड़ी सी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर हमारी ऑफिस की एक मैडम है, उनको हमारे पास फ़ोन आओ, भी कहने लगी कि तुम अंजलि एक काम करो, अपने हाथों में कपूर लो और उनको घिसो और उनकी खुशबू लो। तो हमने भैया कपूर उठाओ, उनको अपने हाथों में घिसो और खुशबू ली, तो ना हमें उनकी खुशबू आ रही और ना हमें उनकी बदबू आ रही। भैया अब हमने जान ली कि अब कछु ना कछु दिक्कत है, एकदम कपूर की कितनी अच्छी खुशबू आउत है लेकिन कोई खुशबू नहीं आ रही हमें। फिर हमने चलो ठीक है, दूसरे दिन JK हॉस्पिटल में हमने अपना टेस्ट कराओ, भगवान को नाम लेके कि जो हुई है सो देखो जाए, टेस्ट तो करा लो। फिर भी हम जान रहे, सब हमसे कह रहे नहीं तुम तो नेगेटिव आओ, और हम भी यही सोच रहे नहीं हमारी पॉजिटिव आई नहीं सका। अब हम तो बढ़िया आराम से रात में लेटे थे, वही दिन जी दिन हमारा टेस्ट भाव, वही दिन हमारी रिपोर्ट भी आ गई। लेटे लेटे व्हाट्सअप चला रहे थे और व्हाट्सअप पे ही रिपोर्ट आई और उनमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखो पॉजिटिव। भैया हम जैसे लेटे थे वैसे उठ के बैठ गए। अब तो हमारा जो रूबो स्टार्ट भाव, एक तो अकेली मोड़ी, ऊपर से ना फैमिली वाले साथ में और ऊपर से कोरोना जैसी बीमारी, अछूतों की बीमारी हो रही बात हो कि जरा सी कोई छीन दे तो कोई पास में ना जाए। अब हमारे मकान मालिक परेशान, भी तो जा बोलो उनको भलो करे भगवान कि उनने हमसे जाने कही कि घर खाली कर दो, उनने अपने सब खिड़की दरवाजे बंद कर ले। और हमने सोची कि अब क्या करो जाए, फिर हम मतलब बहुत रोग आ रहे थे, तो ऐसे हैं कलीग्स, ऑफिस के स्टाफ हैं, घर वाले हैं, उनने हमें थोड़ा सा मोटिवेट करो कि डरने वाली बात नहीं है, डरने नहीं है मैं अपन को, है ना। फिर हमने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और हमने सोची कि अब हॉस्पिटल तो हम नहीं जाएं, हॉस्पिटल में तो वैसे ही ऐसी खबरें आ रही कि कोई छत से कूद रहा हो, कोई कछु रहा हो, हॉस्पिटल से भाग भाग जा रहा है इंसान, तो हम हॉस्पिटल तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। हमने कही जो हुई है मरने हुई है तो घर में मर जाए, इलाज होने हुई है तो घर में हो जाए, लेकिन हम हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं जाए। भैया फिर हमारे एक डॉक्टर हैं सकलेचा जी, भोपाल में बंसल हॉस्पिटल की हैं, अभी
हमने उनसे कंसल्ट करो, उनने हमें बहुत मोटिवेट करो, उनने हमसे कही बेटा घबरावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से घर पे रहो, हम तुम्हें पूरी दवाइयाँ बताएंगे, तुम भी दवाइयाँ लो और बिल्कुल प्रिकॉशन लो, जो जो हम बता रहे हैं वो करना है तुम्हें। तो भाई हमारा तो घर में ही, जो हमारा रूम है रूम में ही हॉस्पिटल खुलवाओ, पल्स ऑक्सीमीटर और जो जो भी सामान लगे भी सब हमने घर ही मंगा लें। अब उनने हमसे कही बिल्कुल हर आधे घंटे में ऑक्सीजन लेवल चेक करके तुम हमें अपना व्हाट्सअप करोगी, पल्स ऑक्सीमीटर पल्स चेक करके और अपना फीवर टेम्परेचर चेक करके तुम हमें अपना व्हाट्सअप करोगी। इतनी हमार हो गई। फिर हमने भी यही सोची कि काय को फालतू में हॉस्पिटल जाओ जाए, आराम से घर में रहो, घर में ही अपन अपना ट्रीटमेंट करें। और फिर हॉस्पिटल हमें जा भी लग रही थी, अपन को उतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं है कि अपन हॉस्पिटल जाओ, अब जब अपन घर में रह के ठीक हो सकते हैं तो अपन घर में ही रहो, फालतू में कोई बहुत इमरजेंसी वालों हो जो उनको बिस्तर चाहिए हो, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत है तो उनको मिल जाए, तो अपन जा सोच के घर ही रह गए। हमारी दवाइयाँ चालू हो गई, अब 2-3 दिन खाना भी हमें खुद ही बनाना है, 2-3 दिन तो हमें इतनी कमजोरी आ रही है, हमारे हाथ पाँव कांप रहे हैं, हम खाना नहीं बना पा रहे। अब हमारा दिमाग खराब कि भाई अजू कर रहा, हमें तो ऐसे लग रहा कि हमने पट तो नहीं जा रहे, बहुत ही टेंशन में आ गए। फिर हमने अपने डॉक्टर को फोन लगाओ, तो फिर डॉक्टर ने हमसे कही तुम नाश्ता कर रही कि नहीं कर रही। भैया हम नाश्ता नहीं कर रहे थे, मतलब हम सीधे खाना खा रहे थे, जबकि नाश्ता बहुत जरूरी है, भले ही हम रात को खाना खाएं चाहे ना खाएं, हमें नाश्ता सबके लिए है, ये सबके लाने जो बहुत जरूरी है कि नाश्ता समय पे करो, नाश्ता हैवी से हैवी हो, दोपहर को खाना नाश्ता से कम और रात को खाना बहुत ही लाइट है ना, बहुत ही कम। उसके बाद हमने बताई उन्हें अपनी समस्या, तो उन्होंने कहीं नाश्ता करवो स्टार्ट करो, हमने फिर नाश्ता करवो स्टार्ट करो, फिर थोड़े थोड़े हम नॉर्मल भाई। अब जैसे हमारा ट्रीटमेंट तो चल रहा था, तो एकदम से बुखार तो सही होना नहीं, ऐसे 7-8 दिन हुआ हो गए और हमारा बुखार सही नहीं हुआ, हमारी खुशबू बदबू सब चली गई, मुंह में स्वाद आपको खत्म होगा। अब हमें और ज्यादा डर लगन लगो कि यार जैसा बुखार हो, पूरे सिम्टम्स आ गए हमें, पूरे सिम्टम्स। फिर हम डॉक्टर को बार बार फोन कर रहे, बेबी बेचारे परेशान के बहुत इरिटेट हो रहे, बेबी हर 2 मिनट में फोन लगा दें हम उन्हें, कैसे हमें बहुत टेंशन हो रही है ना, कोरोना जैसी बीमारी, बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे थे हम और हमें बहुत डर भी लग रहा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीमारी ऐसी है कि तुम जितनी ज्यादा टेंशन लोगे उतनी ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद कहा भाव कि 15-20 दिन भाई और फिर हम थोड़े थोड़े ठीक भाई, मतलब हाँ कि हमें लगन लगो कि अब हम थोड़े ठीक हैं। अब 17वें के 18वें दिन हम फिर से टेस्ट भाव, तो टेस्ट में हमारी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव। ठीक है, अब हमने लेकिन जा जान ली कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो मतलब हम पूरे ठीक है। और 18वें या 19वें दिन ही हम घूमने निकल गए, जबकि हमें नहीं जाने आ तो, और उस दिन फिर हमें बहुत तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को हमने जवाब बताई, डॉक्टर कहने लगे भैया तुमसे कौन ने कही थी डॉक्टर बनबे की, कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कौन ने कही थी कि तुम बाहर निकल जाओ घर से। अब भैया कोरोना तो ठीक होगा तो, लेकिन कोरोना के बाद के जो सिम्टम्स है ना, जो साइड इफेक्ट्स है ना, बे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक निकले। पता चली कि हम ऑफिस में बैठे हैं, कछु काम कर रहे, कंप्यूटर पर टाइप कर रहे और हमारी नस चढ़ जाए, कहूं कमर की नस चढ़ रही, कहूं हाथ की नस चढ़ रही, भैया हम बड़े भारी परेशान। फिर हमने उको इलाज करवा, अब नस चढ़वे को कोई इलाज तो होत नहीं है, लेकिन फिर कछु हमने आयुर्वेदिक दवाइयां लाई, मतलब जा समझ लो कोरोना यदि भाव है तो सही कि साल भर तक तो मैं कोई ना कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट रह सकते हैं, तो हम और घबरा गए। फिर जैसे तैसे जो हमारी नस की प्रॉब्लम दूर भाई, तो भैया जो हमारा जो चेहरा है पे कछु दिन बाद इतने दाने हो गए कि हम अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रहे, इतने छोटे छोटे से दाने और खूब ही खुजली हो रही चेहरा पे, जी सब कोरोना की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स निकले हमें, ऐसे भी दवाइयां हैं बहुत गर्म। फिर हम गए बिट्टन मार्केट पे अखिलेश अग्रवाल के पास, डॉक्टर हैं वे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो हम उनके पास गए। फिर उनने हमें कोरोना का हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन था वो देखो, उसमें एक दवाई ऐसी थी जी की खावे से बॉडी में बहुत हीट होते है और बा कोरोना की दवाई बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स निकलते हैं,
तो हमें दानों से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उन्होंने हमसे कही कि तुम ये दवाइयाँ खाओ, ट्यूब व्यूब लगाओ। तो हमने कि हम दवाइयाँ तो अब कोई नहीं खाए भैया, हम बहुत थक गए दवाइयाँ खा खा के। इतनी दवाइयाँ खाई हैं हमने महीना भर, हमने जिंदगी में इतनी दवाइयाँ नहीं खाई हुई हैं जितनी हमने कोरोना के टाइम पे खाई। तो भैया हमने उनसे कही आप तो हमें ट्यूब और फेस वॉश वगैरह बता दो, तो उन्हें मैं वो दाऊँ उसे, फिर हमें 1-2 महीना में हमारा चेहरा ठीक हो। हमसे कहने लगे कि कोरोना भाव है तो तुम्हें नॉर्मल बुखार नहीं आओ है तो। फिर भैया उनने भी हमें सुनाई, फिर हमारी दवाइयाँ चालू भाई। लेकिन कोरोना तो ठीक होगा, तो मतलब रिपोर्ट तो हमारी नेगेटिव आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से अभी हम स्वस्थ नहीं हुए थे। फिर 1 महीना हम घर पे ही रहे, मतलब 18 दिन भी, 18-19 दिन भी, और 10 दिन और ऑफिस वालों ने भी हमारा सपोर्ट करो, और उनने कही कि हाँ तुम ठीक है, घरे रहो, रेस्ट करो आराम से। हम घरे रहे, हमारी दवाइयाँ कंटिन्यू, जा समझो कि कछु दवाइयाँ ऐसी हती कि पूरी 1 महीना चलत रहे। उसके बाद फिर हम 1 महीना बाद ऑफिस जाबो हमने स्टार्ट करो, वहीं हमारा चेहरा ठीक भाव, जैसे तैसे जी साइड इफेक्ट्स थोड़े कम है। लेकिन अब अभी हमें जो प्रॉब्लम है हमारे संगे कि जैसे हम प्लेटफॉर्म की ब्रिज चढ़ रहे हूँ, प्लेटफॉर्म को जो अपना स्टेशन को पुल रीत बहुत ही हम चढ़ रहे हूँ, हमारी सांस फूलने लगा थे, है ना, मतलब बहुत कमजोरी आ गई है शरीर में। डाइट वगैरह हमने प्रॉपर ली, हम तो कह रहे हैं हम होम क्वारंटाइन भए थे, हमने खावे पीवे में कोई कमी नहीं रखी, हमारा तो वेट गेन होगा। लेकिन कितनों भी खाओ, अंदर से जो शरीर में कमजोरी आई है ना, बाप भगवान ही जाने कि कैसे दूर हुई है। तो भैया रहो हमारी आप सबसे जय प्रार्थना है, जय विनती है कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि कोरोना हो गया है या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं आप लोगों को, नॉर्मली बुखार ही आ रहा है, तो आप लोग जा नहीं सोचो कि हमें कोरोना हो रहा हो कि एकदम से हड़बड़ी में हॉस्पिटल भगन लो।